Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. Welcome to AA Classroom. तो आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हम समटाइम्स टेबल्स बनाते हैं. तो हम सिंपल टेबल्स पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह लाटेक में सिंपल टेबल्स बनाते हैं. तो आज के लेक्चर में हम कुछ कम्प्लेक्स टेबल्स की बात करेंगे कि हम कम्प्लेक्स टेबल्स लाटेक में किस तरह बनाते हैं. तो सबसे पहली बात कि ये चीज़ लाटेक में कम्प्लेक्स टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एम एस वर्ड. लेकिन ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लाटेक में टेबल बनाएंगे कम्प्लेक्स टेबल, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड होगा. लेकिन अगर एक दफ़ा आप उसका कोड डिफ़ाइन कर लेंगे और फिर उसको नेक्स्ट टाइम आप कोई और टेबल डिफ़ाइन करना चाहते हैं, कोई और टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप उसी कोड में चेंजेस करके उस न्यू टेबल को बना सकते हैं. तो इसके कोड को समझना बहुत ईजी है, लेकिन जब हम कोड लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लिकेटेड नज़र आता है. लेकिन इतना भी ज़्यादा भी ये कम्प्लिकेटेड नहीं है. एम एस वर्ड में अल तो बनाना थोड़ा सा ईजी है, लेकिन अगर आप इस लाटेक में एक दफ़ा बना लेंगे, लाटेक में एक दफ़ा एक टेबल बनाएंगे, तो उसका कोड आपके पास आ जाएगा. फिर उस कोड में आप एडिटिंग कर सकते हैं और उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम किस तरह टेबल्स में सेल्स को किस तरह एडजस्ट करेंगे और उसके लेंथ को, विड्थ को, कॉलम्स हम करेंगे, मल्टी कॉलम्स किस तरह यूज़ करेंगे, मल्टी रोज किस तरह यूज़ करेंगे. तो बहुत ही ईजी है, उसके लिए कमांड्स अवेलेबल हैं. तो हम स्टार्ट लेंगे एक छोटे से डॉक्यूमेंट के साथ जो कि मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. और वो ये है कि कुछ चीज़ें हमने समझनी है कि जब हम एल यूज़ करते हैं बिगिन टेबल में, हमने यूज़ किया था बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर में, जब हम सिंपल टेबल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें लेफ्ट जस्टिफाइड कॉलम, इट मींस के टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है. फिर हमने सी पढ़ा सेंटर्ड कॉलम, मींस के टेक्स्ट सेंटर्ड होता है. राइट पढ़ा, जिसका मतलब है राइट जस्टिफाइड कॉलम का मतलब है कि उसमें टेक्स्ट राइट साइड पे होगा. फिर आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके साथ हम यूज़ करेंगे पी एम बी. अब इसका भी यही मतलब है जो इस एल सी आर का है, लेकिन ये हम कम्प्लेक्स टेबल्स में यूज़ करेंगे पी एम और बी. अब पी का मतलब है ऐसा पैराग्राफ, यानी समटाइम्स हम टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट किसी कॉलम के सेल में, किसी टेबल के सेल में लिखना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल पे उस सेल के टॉप पे आ जाए. तो फिर उसके लिए हम पी यूज़ करेंगे और उसका विड्थ भी डिफाइन करेंगे कि उस कॉलम का विड्थ कितना होगा, उस सेल का, उस कॉलम का विड्थ कितना होगा हमारे पास. फिर इसी तरह एम यूज़ करते हैं तो पैराग्राफ कॉलम विद टेक्स्ट वर्टिकली अलाइंड इन द मिडल. तो टेक्स्ट जो होगा फिर वो उस सेल के मिडल में हमारे पास आएगा. और अगर विड्थ को चेंज करेंगे तो उस सेल का जो विड्थ तो होगा उस कॉलम का, उस कॉलम का जिस कॉलम में हम लिखेंगे, उसका विड्थ हम या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं विड्थ चेंज करने से. इसी तरह बी का मतलब होगा टेक्स्ट उस सेल में होगा, जो पैराग्राफ होगा, जो टेक्स्ट होगा हमारे पास, वो उसी सेल के बॉटम में हमारे पास आएगा. लेकिन इन दोनों के लिए एक पैकेज रिक्वायरमेंट है, डेट इज़ द एरे पैकेज. तो हमने एरे पैकेज को यूज़ करना है. फिर इसके बाद हम यूज़ करते हैं स्लेश न्यू लाइन. तो स्टार्ट्स अ न्यू लाइन एंड वर्क सेम एज डबल स्लेश. तो हमें पता है स्लेश न्यू लाइन का मतलब है, या तो हम जब किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के बाद ये लगाते हैं डबल स्लेश, तो इसका मतलब है न्यू लाइन. जब हम डबल इंटर प्रेस करते हैं उसका भी मतलब है न्यू लाइन, लेकिन उसमें हम फ़र्क पड़ चुके हैं कि फ़र्क क्या होता है उसमें. और एक होता है हमारे पास स्लेश न्यू लाइन. तो जब हम टेबल्स में इसको यूज़ करेंगे स्लेश न्यू लाइन, तो इसका मतलब होगा इन केस ऑफ टेबल इट एंड्स द लाइन विद इन अ सेल. तो अगर किसी सेल में मैं सेल के अंदर कुछ टेक्स्ट है और उस सेल के अंदर मैं इसको यूज़ करूँगा स्लेश न्यू लाइन, तो वो उसी सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन को जनरेट करेगा. इसी तरह अगर मैं ये यूज़ करूँगा स्लेश टेबुलर न्यू लाइन, तो रिमेंबर टेबल्स में हम इसको यूज़ करते हैं टेबुलर न्यू लाइन को मैक्सिमम. तो एंड्स द लाइन ऑफ द एंटायर रो इन टेबल. तो जहाँ भी हम इसको यूज़ करेंगे तो उस टेबल में जो रो होगा, जो कंप्लीट रो होगा, यानी इट स्टार्ट्स अ न्यू रो, या इन द लाइन ऑफ द एंटायर रो, जिस रो की बात कर रहे हैं उस रो को वो ख़त्म करता है और नेक्स्ट रो जो होता है उसको कम्प्लीटली हमारे लिए उसी रो को एंड कर देता है और नेक्स्ट रो हमारे पास जनरेट हो जाती है. फिर होता है हमारे पास मल्टी रो. तो मल्टी रो का मतलब है, अब हम इसको पढ़ेंगे कि मल्टी रो हमारे पास होता है कि जब हम एक से ज़्यादा रोज की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टी रोज. फिर इसके दो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, यानी इसमें थ्री रोज हो सकते हैं, फोर रोज हो सकते हैं, फाइव रोज हो सकते हैं. इसका विड्थ डिफाइन करेंगे कि इस रो का विड्थ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच,
12 पॉइंट, इस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट यानी उस रो में जो हम लिखेंगे, उस रो में जो हम लिखेंगे वो उसको यहाँ लिखेंगे। तो इसका आउटपुट क्या होता है, असल में इसका आउटपुट होता है क्रिएट सब रोज इन अ सिंगल रो। तो एक रो में हमारे पास मजीद रोज में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है मल्टी कॉलम, तो एक कॉलम को जब हम मजीद कॉलम्स में, जो कि आज के एग्जाम्पल में इसको पढ़ेंगे कि एक कॉलम को जब हम स्प्लिट करते हैं मजीद कॉलम्स में, तो उसको उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी कॉलम। तो इसको किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को खोलेंगे सबसे पहले। तो मैं ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल खोल चुका हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट। अब बुक की तरफ आते हैं और उसमें पढ़ते हैं कम्प्लेक्स टेबल्स। तो रिमेंबर, जब भी हम कम्प्लेक्स टेबल्स की बात करेंगे तो हमने यूज़ करना है स्लेश यूज पैकेज एरे, ये पैकेज यूज़ करना होगा, और यूज पैकेज मल्टी रो। तो ये दोनों जब हम कम्प्लेक्स टेबल्स की बात करेंगे तो ये यूज़ करेंगे। अब कम्प्लेक्स टेबल का मतलब यही है कि ये कम्प्लेक्स इसलिए है कि हम जब टेबल बनाएंगे तो उसका सेल विड्थ कितना होगा, उसके रो का लेंथ साइज कितना होगा, कॉलम्स उसमें कितने एडजस्ट, तो हम उनके कॉलम्स को भी एडजस्ट करेंगे। सिंपल टेबल्स में हमने जस्ट ये पढ़ा कि हम किस तरह सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, कितने रोज कितने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें टेक्स्ट सिंपली हमने कुछ नंबर्स लिए और उसमें हमने एडिशन की। अब समटाइम्स टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो किसी सेल में उस टेक्स्ट को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। डेट्स वाई हम क्या करते हैं, उसके साइज को चेंज करते हैं। तो पी का मतलब है, पी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो टॉप पे आ जाएगा, वो टॉप के साथ अलाइन होगा, उस सेल में टॉप के साथ अलाइन होगा। और इस पी के साथ आप देख सकते हैं ये दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स का ये मतलब है कि उस कॉलम का या उस सेल का आप विड्थ कितना रखना चाहते हैं, उसका विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल अब हम लेंगे, इसी एग्जांपल को हम लेंगे और उसको वहां पे यूज करेंगे। लेट्स से हम ये टेबल वहां बनाना चाहते हैं कि इस टेबल को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टेबल को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इस ज़रूरी नहीं है, हम इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो उसको ट्राई करते हैं, इसी टेबल को हम अपने लाटेक में भी क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब होता है इसमें थ्री कॉलम्स होंगे, पी पी पी, जिस तरह हम यूज़ करते थे वहाँ सी सी या सी। तो वहाँ पर रिमेंबर, वहाँ पर हम ये विड्थ हम डिफाइन नहीं करते सिंपल टेबल्स में, और कम्प्लेक्स टेबल्स में हम ये विड्थ भी डिफाइन करते हैं कि उस सेल का विड्थ हमारे पास कितना होगा। तो डेट्स वाई कॉम्प्लेक्स टेबल में हमने विड्थ भी डिफाइन करना होगा। तो या तो हम पी यूज़ करेंगे, या हम यहाँ एम यूज़ कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट मिडल में अलाइन होगा, या हम यहाँ बी यूज़ कर सकते हैं, बी बी और बी, तो टेक्स्ट जो होगा वो फिर बॉटम में, उसके जो सेल होगा उसके बॉटम में अलाइन होगा। तो इसी एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। तो उसी तरह हम लेट से यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं, स्लेश बिगिन टेबुलर, बिगिन टेबुलर। अब लेट्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ पी, और इसका कुछ विड्थ डिफाइन करते हैं कि पहला जो सेल होगा उसका विड्थ मैं लेट्स से लिखता हूँ 1 इंच, आप सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर मैं लिखता हूँ पी, इसका लेंगे हम 1 इंच। इसी तरह नेक्स्ट थ्री कॉलम्स की बात करते हैं, तो लेट्स से फिर पी और 1 इंच। अब हमें पता है कि थ्री कॉलम्स, और इन कॉलम्स को हमने अब इसमें कुछ टेक्स्ट डालना है। लेट्स से मैं लिखता हूँ ऑरेंज, फिर एंड, इसके बाद लिखता हूं कि एप्पल, इसके बाद एंड के बाद लिखते हैं ग्रेप्स, कुछ टेक्स्ट की एग्जांपल लेते हैं। फिर ये सेल जब ख़त्म होगा तो हमने पढ़ा था डबल स्लेश लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन अगर इसके नीचे मुझे, अगर इसके लेट से इसको जब मैं जनरेट करूंगा तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह होगा, ये होगा इसका कुछ रिजल्ट। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइंस, लेट्स से मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा और इसके बाद में वर्टिकल लाइन लगाऊंगा, और यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा, इसी तरह यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूँगा तो कंपाइल करने से यहाँ पर वर्टिकल लाइन हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह अगर इसके बाद स्लेश एच लाइन लिखूँगा तो एक लाइन ऊपर आ जाएगा, इसके इसी तरह इस दो स्लेश के बाद स्लेश एच लाइन यूज़ करूँगा तो एक लाइन नीचे आ जाएगा, तो ये कंप्लीट टेबल बन जाएगा हमारे पास। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको चेंज करूँगा, यानी पी 1 इंच का मतलब है ये कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसके विड्थ को मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेट से अगर मैं यूनिट चेंज करूँगा, लेट से मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, तो ये बहुत ही कम होगा, यहाँ पे जो इसका हमारे पास रिजल्ट होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, अब 1 सेंटीमीटर देख सकते हैं। तो ये कॉलम
वो हमारा जो टेक्स्ट है उसमें वो ई आप देख सकते हैं वो नेक्स्ट कॉलम में चला गया है, तो इसको आपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। 2 सेंटीमीटर होगा तो बेहतर रहेगा, तो आप यूनिट कोई भी यूज़ कर सकते, इंच यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो अकॉर्डिंगली आप यूज़ उस ऐप आप देख सकते हैं एप्पल का। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमारे पास आ रहा है तो इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इंच में भी ले सकते हैं आप, 0.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं इसका, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह रिक्वायरमेंट होगी आप उसी अकॉर्डिंगली आपने इसको चेंज करना है। तो ये देख सकते हैं हम अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह इसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल कुछ बहुत ही ज़्यादा है कि आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, लेट्स से ये मैं फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखना चाहता हूँ, तो इसके बाद एंड होगा, इसके बाद एंड, और लेट्स से इस तरह में डबल स्लेश स्लेश एच लाइन। तो रिमेंबर अगर आप यहाँ, ये यह हमें पता है दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, ये है हमारे पास सेकंड कॉलम और ये थर्ड, तो अगर आप सेकंड और थर्ड को खाली छोड़ेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम को आपने एम्प्टी छोड़ दिया, तो आपका रिजल्ट भी यहाँ पे सेल्स हमारे पास एम्प्टी आएंगे इसमें। तो अगर आपको एम्प्टी सेल्स चाहिए तो आप अब देख सकते हैं ये टेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये अब हमारे पास उस तरह अलाइंड नहीं है, तो इस टेक्स्ट को हमने अलाइंड किस तरह बनाना होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट कुछ इस तरह रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि अगर मैं इस सेल का ये देख सकते हैं ये फर्स्ट सेल की बात हो रही है, तो अगर मैं इस सेल में इस 2 सेंटीमीटर को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो इसका जब लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, अब ये इसमें देख सकते हैं ये थर्ड 3 रोज़ में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अगर मैं इसका लेंथ बढ़ाऊँगा, इसका लेंथ मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, लेट्स से 5 सेंटीमीटर कर दूँ, 5 सेंटीमीटर, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, तो इसको आप इस तरह सेट कर सकते हैं। तो इसको अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इसके बाद कुछ लिखेंगे आपके यहां पे कुछ लिखेंगे, लेट से जूस लिखेंगे, इसके बाद कुछ लिखेंगे लेट से इसको कंपाइल करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जूस और बनाना आ जाएगा। अगर इस टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, अगर इसका लेंथ बढ़ाना है तो आपने यहाँ ब्लेड से, मैं इसको 4 सेंटीमीटर इसको भी कंसिडर करता हूँ, 4 सेंटीमीटर में इसको भी कंसिडर करता हूँ, तो 4 सेंटीमीटर कंसिडर करने से इसका जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास वो इसके विड्थ हमारे पास चेंज हो जाएंगे, तो इस तरह हो सकता है। अब नेक्स्ट लाइन में आना है तो आपने बस आपने लेट से मैं इसी टेक्स्ट को बार बार उठा के यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में भी आपने ये करना होगा, फिर इसी तरह जितने आपको रिक्वायरमेंट्स है, तो इस तरह आपके सेल्स बढ़ते जाएंगे और टेबल क्रिएट होता जाएगा, ये हमारा टेबल क्रिएट होता जाएगा। अगर आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको आपने फिर इनक्लोज करना है स्लेश बिगिन टेबल और एंड टेबल के बीच, फिर इस बिगिन टेबुलर और एंड टेबुलर को आपने यहाँ से कट करके इसके बीच में डालना है, इसके बीच में आपने डालना है। अब इसकी पोजीशन को चेंज करना, तो अब ये तो अब यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करनी है तो हमें पता है कि बिगिन टेबल के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे H एक्सक्लेमेशन और T एक्सक्लेमेशन, तो T एक्सक्लेमेशन का मतलब है कि ये बिल्कुल पेज के टॉप पे यहाँ पे आ जाएगा फिर, तो ये तो मुझे H एक्सक्लेमेशन, तो ऑलरेडी ये यहाँ पे H एक्सक्लेमेशन इसका मेंशन है, तो अगर आप मेंशन नहीं भी करेंगे यहाँ पे तो ये ऑलरेडी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे मौजूद है, तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको नहीं लिखता, एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं फिर। तो ये होगा टेबल क्रिएट करने का तरीका कि हम किस तरह कॉलम्स और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू M या यहाँ पे अगर आप P लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा P, तो P लिखने से फिर हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह नज़र आएगा, इस तरह हमारा टेक्स्ट नज़र आएगा। लेट से आप यहाँ लिखना चाहते हैं कि ये आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लेश न्यू लाइन, ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो एप्पल्स होंगे एंड एप्पल्स, तो इसी सेल में ये नीचे आ जाएंगे, इसी सेल में ये हमारे पास नीचे आ जाएंगे। तो रिमेंबर मैंने वहाँ लिखा है कि न्यू लाइन जब टेबल में यूज़ करेंगे तो उसी सेल में नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट लाइन से एंड एप्पल्स हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने लिखना है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट करना है स्लेश न्यू लाइन लिख देना है, जब रिक्वायरमेंट होगी आपको तो आप इस तरह नेक्स्ट लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा हमारे पास।
अच्छा, तो अब देखें इसमें, अब पी और एम का अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन है ये बिल्कुल टॉप में, ये आई लाइक ऑरेंजेस बिल्कुल टॉप में है, जूस बिल्कुल टॉप में है और बनानास बिल्कुल टॉप में है, जो कि बिल्कुल टॉप में तीनों कॉलम्स में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे, अब अगर इस पी को मैं एम पे रिप्लेस कर दूँ, इसको भी एम पे, तो टेक्स्ट जो होगा फिर वो मिडल में अलाइन होगा। तो अब इसका थोड़ा सा वाज़ हमें पता चल जाएगा कि एम पे रिप्लेस करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जूस को आप अभी देखेंगे ये मिडल में आ जाएगा हमारे पास, जूस इज़ नाउ इन द मिडल। तो ये अब टॉप पे अलाइन नहीं होगा, ये मिडल में अलाइन होगा। अगर बी लिखेंगे यहाँ पे तो बी से क्या होगा, ये फिर बॉटम में अलाइन हो जाएगा हमारे पास, बी से ये बॉटम में अलाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास बॉटम टेक्स्ट अलाइनमेंट है जब हम बी यूज़ करेंगे, और अगर पी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल टॉप में इसकी अलाइनमेंट होगी हमारे पास। तो ये कुछ छोटा सा चेंज, हम सिंपल टेबल्स के कम स्विच होके कॉम्प्लेक्स टेबल्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास इस तरह के, हम किस तरह लाटेक में इजीली एक टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स टेबल तो नहीं है, इसके इससे बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, उसको हम उसमें हम देखेंगे हम किस तरह उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, किस तरह उसमें चेंजेस करेंगे हम। तो अगर आपने इसको अलाइनमेंट देनी है, इसकी पोजिशन चेंज करनी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके आप एच एक्सक्लेमेशन यहाँ लगाएंगे, एक्स एक्सक्लेमेशन, और जैसे एक्स एक्सक्लेमेशन लगाने के बाद जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये हमारे पास उस इंट्रोडक्शन के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये है चेंजेस, जहाँ न्यू लाइन्स चाहिए उसी सेल में आप न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू स्लेश न्यू लाइन कमांड। तो ये है पी एम, और इसका मतलब कि हम किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, अब इसको भी ट्राई कर सकते हैं स्लेश एच लाइन स्लेश एच लाइन, और फिर इसी को उठाएंगे तो ये रिजल्ट होगा। तो जहाँ पे लाइंस चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली उसके लाइंस को चेंज कर सकते हैं। और रिमेंबर, ये चूंकि मैं ये दो कमांड्स ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो आपने ये मल्टी रो के ये स्लेश यूज़ पैकेज एरे प्रीएम्बल में यूज़ करना है, और स्लेश मल्टी रो ये ज़रूर आपने यूज़ करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। स्लेश एरे और स्लेश यूज़ पैकेज, तो मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि ये बेसिक कमांड्स है, जब भी आप लाटेक स्टार्ट करें तो इसको यूज़ करना है हमने। इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल टेबल डिस्कस करते हैं कि मुश्किल टेबल हम किस तरह बना सकते हैं लाटेक में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है, इसको हमने बनाना है लाटेक में कि हम किस तरह इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़नी हैं कि एक होता है हमारे पास सेंटरिंग। तो सेंटरिंग हम किस तरह करते हैं कि लेट से मैं इसी में टेबल में सेंटरिंग, टेक्स्ट को सेंटरिंग देना चाहता हूं कि टेक्स्ट हमारे पास सेंटर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये तो इजी टेबल है, अब थोड़ा सा मुश्किल टेबल ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम इस टेबल को बनाना चाहते हैं, इस टेबल को, तो इसी टेबल को हम, इसके दो तीन लाइंस हम क्रिएट करेंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि हम किस तरह ये एक कॉम्प्लेक्स टेबल है इसको किस तरह बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ज़रूरी है, देखें इस टेबल में आप देख सकते हैं जो कि हमारा थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम ये एक्चुअली थ्री कॉलम्स पर बेस्ड है। हमारा जो थर्ड कॉलम है दिस इज़ सब डिवाइडेड, दिस इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री कॉलम्स, तो सब कॉलम्स में ये डिवाइड है। इसी तरह ये जो फर्स्ट कॉलम है तो ये तो एक ही कॉलम है, इसी तरह फर्स्ट कॉलम एक कॉलम है, एक कॉलम, लेकिन जो थर्ड कॉलम है ये थ्री कॉलम्स में डिवाइड है। तो यहाँ पे हम एक कमांड यूज़ करेंगे डेट इज़ द स्लेश मल्टी कॉलम, तो थर्ड के केस में हम यूज़ करेंगे, थर्ड के केस में स्लेश मल्टी कॉलम। तो मल्टी कॉलम में हम कितने कॉलम्स हमें चाहिए, वन टू थ्री, तो थ्री कॉलम्स देंगे, उसका विड्थ कितना होगा वो भी डिफाइन करेंगे, और फोर्थ कॉलम सेपरेट एक कॉलम है तो इसको भी बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए एक बहुत ही ईजी मेथड है। तो ये हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन करेंगे कि कॉलम्स हमारे पास कितने होंगे। तो देखें टोटल ऑफ कितने कॉलम्स होंगे हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे सिक्स कॉलम्स। तो लेट्स से मैं पी पी यूज़ कर रहा हूँ, पी, तो आपको पता है कि पी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो टेक्स्ट होगा वो सेल के टॉप के साथ लाइन के साथ अलाइन होगा। तो लेट्स से कुछ इसके उस इसका कुछ विड्थ भी दे देते हैं, 0.7 इंच दे देते हैं, लेट्स से 0.7 इंच। फिर इसी तरह इसके बाद
सेकंड सिक्स कॉलम्स है हमारे पास, इसको भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी विड्थ दे देते हैं, लेट्स से इसका विड्थ है हमारे पास 1.4। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट होगा लेट्स से पी, उसको भी पी के देते हैं, और इसका विड्थ भी आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लेट्स से उसके अकॉर्डिंगली के उसका साइज़ कितना है। मैं इसको दे देता हूँ 0.5 इंच, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह पी में यूज़ करूँ और इसके साथ में यूज़ करूँ इंच, लेट्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 इंच। इसी तरह एक रहता है हमारे पास लेट इस पी अगेन, और फिर मैं लिखूँ यहाँ 1 इंच, तो ये कितने हुए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, एक अब भी हमारे पास रहता है, और लास्ट में भी एक 6 कॉलम्स है हमारे पास, तो इसलिए सिक्स कॉलम का विड्थ भी लेट से उसका विड्थ मैं दे देता हूँ 0.8। अब हमने ये डिफाइन कर लिए, अब इसके बाद हमने यूज़ करना है, उस टेबल में आते हैं, और उस टेबल में हमारा जो फर्स्ट है डेट इज़ द सैम्पल्स है, फिर फिल्म डिपोजिशन, एंड थर्ड है लेज़र इर रेडिएशन, तो 6 है, तो इसी तरह हमने क्या करना है, सैम्पल्स जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट सेट वो उसमें हमारे पास है सैम्पल्स, तो सैम्पल्स लिखेंगे, फिर उसके बाद एंड लगाएंगे, तो एंड के बाद आपने नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फिल्म डिपोजिशन, उस टेबल में आप देख सकते हैं फिल्म डिपोजिशन, इसके बाद है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, फिर इसके बाद है हमारे पास लेजर, लेजर इरेडिएशन, इसके बाद हम डबल स्लैश लगा लेते हैं कि ये हमारे पास लाइन एंड हो चुका है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। अब देखें अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा इसको, तो मेरे पास देख सकते हैं एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे हमने कितने लिखे हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 इसलिए लिखे हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स को, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसको हमने सब डिवाइड करना है 3 कॉलम्स में, 1, 2, 3, तो इसलिए मैं यहाँ एक पैकेज यूज़ करूँगा, इसको रिमूव करके यहाँ पर एक पैकेज यूज़ करेंगे स्लेश मल्टी कॉलम COLU, तो देखें फर्स्ट पे आ रहा है स्लेश मल्टी कॉलम, इस पे एंटर करेंगे तो कह रहा है कॉलम्स कितने होने चाहिए 3 कॉलम्स, पोजीशन उनकी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, तो देखें पोजीशन की बात कर रहा है कि सेंटर्ड होना, उसमें टेक्स्ट सेंटर्ड पे होना चाहिए, तो आपने सी यूज़ करना है, तो आप या सी यूज़ कर सकते हैं, एल यूज़ कर सकते हैं, बी यूज़ कर सकते हैं। कॉलम्स में सिर्फ पोजीशन की बात होगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो नोट फाइल जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर किया वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स। अब इसको जब मैं कंपाइल करूंगा तो इसको समझ आ जाएगी कि तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमारा जो थर्ड कॉलम होगा ये एक्चुअली अब बेस्ड है 3 सब कॉलम्स पे बेस्ड होगा, ये 3 सब कॉलम्स पे बेस्ड होगा। अब इसको हम मज़ीद किस तरह चेंज करेंगे, देखिए हमारा जो ये एडजस्टमेंट है ये कुछ बहुत ही अच्छा हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, अल दो हम पी यूज़ कर रहे हैं, डेट्स वाइज सब टेक्स्ट जो है हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है उसका जो टॉप अलाइनमेंट है सब एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। अब इसमें मज़ीद चेंजेस हम कर सकते हैं कि लेट से मैं यहाँ पे यूज़ करूँ स्लेश एच लाइन, और फिर यूज़ करूँ दोबारा स्लेश एच लाइन, तो ये क्या होगा, यहाँ से इससे टॉप पे मैं चूँकि यहाँ यूज़ कर रहा हूँ सैम्पल से ऊपर, तो यहाँ पे दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगे, इस तरह के दो स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगे। अब देखें इसके बाद भी लेट्स से मैं लाइंस लगाना चाहता हूं कि इसके बाद भी मेरे पास लाइंस आ जाएं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूं यहां पे इस लेज़र इरेडिएशन के बाद मैं यूज़ करूंगा स्लेश एच लाइन, फिर स्लेश एच लाइन। अब जैसे मैं इसको कंपाइल करूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट जो होगा, क्योंकि यहाँ पे
डबल स्लैश यूज करना है, हर यहाँ पे एंड होगा तो डबल स्लैश यूज करना है। तो अब रिजल्ट कुछ इस तरह होगा हमारे पास, इस तरह आ जाएगा, यानी हर जो हमारे पास रो होता है, दिस इज़ द कम्प्लीट रो, सैम्पल से लेके यहाँ तक ये कम्प्लीट रो है, तो इसके बाद हमने डबल स्लैश यूज़ करने हैं कि ये रो एंड हो जाए, फिर उस रो के बाद दो कंजेकेटिव लाइंस हमने ड्रा करनी है तो हमारे पास ड्रा हो जाएंगे। अब देख सकते हैं इसमें अगर हमने एग्जैक्टली यही इसी तरह टेबल बनाना है तो देख सकते हैं फिल्म यहाँ ऊपर लिखा है और डिपोजिशन यहाँ पे नीचे है, इसी तरह ये बिल्कुल स्ट्रेट एक ही रो में है। और आप देख सकते हैं लेज़र इररेडिएशन, ये लेज़र ऊपर है और इररेडिएशन नीचे है, तो अगर इसी तरह लिखना चाहते हैं तो इसमें फिर हमने एडजस्टमेंट करनी होगी। तो एडजस्टमेंट के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास, आपको पता है दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, ये हमारे पास है द सेकंड कॉलम, इसके बाद जो है दिस इज द सेकंड कॉलम एंड पी 0.5 इंच, दिस इज द थर्ड कॉलम। तो आपने क्या करना है, यहां पे आपने यूज करना है कीबोर्ड से, आप देख सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल्स जो हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल हैं, आपने शिफ्ट के साथ वो प्रेस करना है, जो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट पे जो की है उसमें आपको मिल जाएगी ये की, आपने यूज़ करना है। फिर आपने दो करली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं और उसमें आपने लिखना है स्लैश सेंटरिंग, स्लैश सेंटरिंग। अब इसका इसी तरह इसको यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके हर एक, यानी यहाँ पे जब एंड होगा ये रो एंड हो जाए, ये कॉलम एंड हो जाए, यहाँ पे अब लगाना है आपने, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ करना है इसी को दोबारा, फिर यहाँ पे जिस तरह ये एंड हो जाए, यहाँ पे ये कॉलम एंड हो जाए, यहाँ पे यूज़ करना है, इसी तरह ये कॉलम एंड हो जाए तो यहाँ पे यूज़ करना है, इसी तरह ये कॉलम एंड हो जाए तो यहाँ पे यूज़ करना है, इसी तरह ये कॉलम एंड हो जाए तो यहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है। तो जैसे ही ये आप यूज़ करेंगे इसको, अब जैसे ही आप इसको कंपाइल करें तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका है। देखें एरर क्यों आ गया हमारे पास, देखें लेज़र इररेडिएशन के बाद आप देख सकते हैं ये दो लाइंस यहाँ से ये रिमूव हो गया है, यहाँ पे कुछ एरर देख के रहे हैं कि मिसप्लेस कुछ एरर हमारे पास आ चुका है। अब आपने ये बात समझनी है कि आप देख सकें लेज़र इररेडिएशन, तो लेज़र इररेडिएशन के बाद हमने दो डबल स्लैशेज यूज़ किए हैं, तो आपको पता है कि दो डबल स्लैशेज यूज़ करने का मतलब है स्लैश न्यू लाइन, और स्लैश न्यू लाइन क्या करता है कि उसी सेल में उस लाइन को एंड करता है। डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है, तो इस डबल स्लैश को टेबल के जब अंदर हम यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा कि हम यूज़ करें नॉट स्लैश न्यू लाइन और डबल स्लैश, हमने यूज़ करना है स्लैश टेबुलर न्यू लाइन, स्लैश टेबुलर न्यू लाइन। तो ये इस पूरे रो को एंड करेगा, तो आप जैसे इसको कंपाइल करेंगे लेज़र इररेडिएशन के बाद, तो ये हमारे पास अब इसकी कंपाइलेशन ठीक होगी, आप देख सकते हैं ये लाइन कंप्लीट होगा। तो डबल स्लैश यूज़ करने, अगर कम्प्लेक्स टेबल है तो डबल स्लैश यूज़ ना करें, एंड में आपने टेबुलर न्यू लाइन यूज़ कर लेना है। जिस तरह हम सिंपल टेबल्स में डबल स्लैश यूज़ करते हैं, तो कम्प्लेक्स टेबल में डबल स्लैश यूज़ ना करें, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जब हम यूज़ करते हैं स्लैश सेंटरिंग हर एक कॉलम से पहले, ये आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन सिंबल है और हमारे पास ये स्लैश सेंटरिंग जो कि दो कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज है, हर एक कॉलम से पहले हमने ये लगाया है स्लैश सेंटरिंग, हर एक कॉलम से पहले स्लैश सेंटरिंग, हर एक कॉलम से पहले स्लैश सेंटरिंग। तो इसका मतलब क्या है, देखें जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट, तो वो तो टॉप में होगा, लेकिन जब भी वो दूसरे रो में आएगा, यानी फॉर एग्जांपल इस फिल्म डिपोजिशन को आप देख सकते हैं ये हमारे पास अब बिल्कुल फर्स्ट रो में है। अब इसका फ़ायदा क्या है स्लैश सेंटरिंग का, जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपने इस सैंपल को भी जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है इसको डबल करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है, इसी तरह इस फिल्म डिपोजिशन को भी डबल करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है, और मल्टी रो में जो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, अब इसको भी डबल रो में इनक्लोज कर सकते हैं, इसी टेक्स्ट को भी ऑलरेडी डबल करली में इनक्लोज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी एक टेक्स्ट हमने लिखा है और इसी के अंदर इसी टेक्स्ट को फिर मैंने दो करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लिया है। इसी तरह लेज़र इररेडिएशन, इसको भी आप डबल करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस सम को इनक्लोज करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अब हमारे पास इसमें मसला ये है कि ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको इनक्लोज कर लिया है तो ये जो हमारे पास सेकेंड लास्ट जो है लेज़र इररेडिएशन, ये बिल्कुल टेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट लाइन में जब स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल सेंटर में है, इसी तरह जो फर्स्ट लाइन है ये भी बिल्कुल सेंटरिंग है, सेंटर्ड पे है, इसका टेक्स्ट जब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा तो वो सेंटर में होगा उस कॉलम के। तो स्लैश सेंटरिंग का यही मतलब है स्लैश सेंटरिंग का, कि जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो अगर टेक्स्ट
वर्टिकली टॉप पे अलाइन भी होगा, तो जब भी टेक्स्ट ज़्यादा होगा और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा तो वो हमेशा सेंटर में होगा। अब इस फिल्म डिपोजिशन को मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहता हूँ, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, तो ये मेरा सेकंड कॉलम यहाँ पे ये है स्लैश सेंटरिंग, दिस इज़ द सेकंड कॉलम। तो अगर मैं इसका विड्थ थोड़ा सा कम कर दूँ, 1 इंच कर दूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ स्पेस डिपोजिशन जो वर्ड है इसके लिए स्पेस कम हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब ये बिल्कुल इसी तरह की एक हम मैंने एग्जांपल लिए सिंपल्स फिल्म डिपोजिशन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स लेज़र इरेडिएशन, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से एक हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें मज़ीद आप हमारे पास क्या है, इसमें एक है हमारे पास इस सेकेंड कॉलम में हमने छोड़ना है, फर्स्ट को एम्प्टी छोड़ना है, फिर ये चीज़ें हमने उसमें लिखनी है। तो रिमेंबर कि जब भी आप स्लैश सेंटरिंग यूज़ करेंगे जो टेक्स्ट होगा उसको हमने, जो टेक्स्ट भी हम लिखेंगे उसको हमने दो करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको अब हम बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए मैं फर्स्ट को एम्प्टी छोड़ूंगा स्लैश एंड, तो इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये इस साइड पे कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद में हम लिखेंगे एंड के बाद हम लिखेंगे दो करली ब्रैकेट्स में, लिखा है हमारे पास टॉप बॉटम, टॉप बॉटम BOTTOM एंड इन नैनोमीटर्स, टॉप बॉटम इन नैनोमीटर्स, तो NM लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड कॉलम में, जो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट 7 के साथ हमने यूज़ करना है इस एंड सिंबल को नेक्स्ट कॉलम, और इसमें लिखना है हमने दो करली ब्रैकेट्स में हमने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इन वोल्ट पर, वोल्ट पर तो स्लैश के साथ मिलीमीटर mm यूज़ कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखा है टेम्परेचर TE, तो उसको भी एंड के बाद रिमेंबर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो एंड यूज़ करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दो करली ब्रैकेट्स में हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर TE MPERATURE टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड्स, तो दो वहाँ पे दो, ये हमारे पास आप शिफ्ट टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश डिग्री, रिमेंबर ये सिंबल्स में आप पढ़ सकते हैं, जो डिग्री सेंटीग्रेड जो डिग्री सिंबल होता है उसके लिए हम स्लैश डिग्री यूज़ करते हैं, स्लैश डिग्री, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्लैश डिग्री। इसके बाद आप सी लिख सकते हैं, तो जब सी से आगे आप लगाएंगे स्लैश डिग्री तो सी के ऊपर वो डिग्री का जो सिंबल होता है वो हमारे पास आ जाएगा, और रिमेंबर इस पूरे को हमने दो करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है। इसके बाद है हमारे पास डिफ्यूजन ड्यूरेशन, तो एंड लगाना है फिर हमने और लिखना है डिफ्यूजन, और इसको रिमेंबर दो करली ब्रैकेट्स में भी इनक्लोज करना है DIFFU ड्यूरेशन, और ये मेजर्ड है आर्स में हमारे पास मेजर है HR, और इसके बाद है हमारे पास लास्ट में है शिफ्ट एंड के साथ हमने यूज़ करना है क्यू स्विच्ड एंड योग लेज़र, तो इसको दो करली ब्रैकेट्स में यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है क्यू स्विच्ड SWI लेज़र एंड योग लेज़र, और इसको कंपाइल करेंगे तो जैसे इसको कंपाइल करेंगे हम तो रिजल्ट कुछ इस तरह होगा हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास इस तरह आ चुका है, आप देख सकते हैं दिस इज़ नाउ द रिज़ल्ट के हम, तो हम इस तरह का टेबल जनरेट कर रहे हैं, इस तरह का टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, तो ये हमारे पास जनरेट हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख सकते हैं जो हमारा थर्ड कॉलम है एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, ये 3 सब कॉलम्स पे डिवाइडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेम्परेचर एंड डिफ्यूजन ड्यूरेशन, और इसी तरह ये हमारा आखिरी कॉलम है। तो आप देख सकते हैं ये कोड इतना ज़्यादा लिखना और ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इस कोड को एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लें तो आप तो इसमें बाद में चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको 4 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कॉलम्स लगा सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको दोबारा एडिट करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू आप MS Word में दोबारा टेबल्स बनाते जाएँ, तो बस इसी में आप इस लेट से मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो यहां से मैं इसको हटा सकता हूं, यहां कुछ और लिख सकता हूं, तो इस तरह आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी कोड को मैं आपके साथ, जो कि बुक में भी अवेलेबल हैं, और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। अल तो
इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डेट इज़ द लेक्स LYX, उसमें भी आप बना सकते हैं टेबल्स को, तो दिस इज़ नॉट एन इशू। लेकिन लाटेक में इतने मुश्किल भी नहीं है बनाना, मेरे लिए तो इजी है क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये सेंटरिंग किस लिए यूज़ होता है, पी किस लिए यूज़ होता है। तो बस आप अगर इसको आपकी एडजस्टमेंट आपकी अच्छी हो, एडजस्टमेंट आपको आ सकता हो कि एडजस्टमेंट हम लाटेक में किस तरह कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट एन इशू, आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास हैं, इसके बाद हमारे पास है एक स्लेश, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्लेश टेबुलर न्यू लाइन। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डबल स्लेश, लेकिन जब कम्प्लेक्स टेबल बनाएंगे और उसमें मैंने आपसे कहा कि स्लेश टेबल और न्यू लाइन जो होता है ये कम्प्लीट उस रो को, नेक्स्ट लाइन को क्रिएट करता है, उसमें हमारे पास थोड़ा सा स्पेस भी आ जाता है। तो टेबल और न्यू लाइन के बाद मुझे दो एक सिंगल लाइन चाहिए, तो स्लेश एच लाइन, तो इसके बाद हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके बाद हमारा जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा, हमारा टेबल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर डॉप BSG, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, रिमेंबर इसको लिखने के लिए आपने वही दो करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसमें लिखना है AG, जो टेक्स्ट आपके पास गिवन है वो यूज़ करना है। यहाँ हमें गिवन है सिल्वर डॉप्ड DOPED डॉप BSG, तो इस करली ब्रैकेट्स अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो ये जो टेक्स्ट होता है ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन से ये खुद इसको एडजस्ट करेगा, और नेक्स्ट लाइन से जब ये स्टार्ट होगा तो ये सेंटर में होगा। देख सकते हैं सिल्वर डॉप BSG, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा सिल्वर है सिल्वर डॉप ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसका इस सेल का थोड़ा सा हम विड्थ बढ़ा दें 0.9 कर दें, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे पास 0.9 करने से इसका इफेक्ट क्या होगा, अब देख सकते हैं इसका इफेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह है सिल्वर डॉप BSG। तो अब ये BSG को इसने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया, तो यही मुझे रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको 0.9 इंच इसका वेट कर लिया है। इसी तरह अब नेक्स्ट लाइन से जब हम लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में हमने यूज़ करना है डॉलर शिफ्ट 7 के साथ एंड यूज़ करना है, फिर लिखा है 500 to 200। तो अब यहाँ हमने रिमेंबर, अगर आप टेबल को गौर से देखें टेबल को, तो टेबल में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक रो है और इसको आप देख सकते हैं वन, ये एक रो में, फिर ये हमारे पास सेकंड, और ये फिर नेक्स्ट में है थर्ड, यानी इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है 3 रोज़ में, इस रो को मज़ीद डिवाइड किया गया है, बल्कि 2 रोज़ में इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है इस रो को यानी इस रो को आप देख सकते हैं इस रो को 2 रोज़ में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये 2 रोज़ में मज़ीद डिवाइडेड है। ये जो हमारा एक्चुअल रो बिल्कुल स्ट्रेट में जो है इसको मज़ीद 2 रोज़ में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसको किस तरह यूज़ करेंगे, हमने मल्टी रो को यूज़ करना है, यहाँ पर हमने यूज़ करना है स्लेश मल्टी रो, फिर नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 2 रोज़ में हमने इसको डिवाइड करना है, तो 2 रोज़ हैं। विड्थ कितना होगा, तो विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ लिखूँ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए, और इसके बाद लिख सकते हैं हम यहाँ 500 to 250 जब लिखेंगे, तो जैसे ही कंपाइल करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा, रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे एक हाइपन और लगाएंगे तो ये जो टेक्स्ट होगा ये हमारे पास थोड़ा सा इस तरह होगा। अब इसी टेक्स्ट को भी आप डबल करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इसको इनक्लोज करेंगे तो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे पास, वो हमें नज़र आएंगे 500 to 200। तो ये है एक एग्जाम्पल के हम किस तरह इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम 2 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लगाएंगे तो इफ़ेक्ट कुछ इस तरह होगा। अब देख सकते हैं ये थोड़ा अलाइंड हो चुका है इसके साथ। अब इसके बाद जो है ये देखें, इसके बाद जो है ये 250 और 400 ये अब इस 500 to 200 से ऊपर हैं और 400 जो है वो इसके नीचे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे मैं मल्टी रो यूज़ नहीं करूँगा, जब मल्टी रो में यूज़ नहीं करूँगा तो शिफ्ट एंड के साथ लिखूँगा 250, और फिर जब एंड के बाद लगाऊँगा 400
और फिर इसके बाद एंड लगाऊंगा, और इसके बाद लगाऊंगा कि टू, फिर एंड लगाऊंगा, और एंड के बाद हमारे पास है 200 पल्सेस, बिल्कुल जो लास्ट कॉलम है उसमें लिखा है 200 पल्सेस, PUL पल्सेस। अब इसको कंपाइल करेंगे, अब आप देख सकते हैं रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह है। ये जो हमारा फर्स्ट रो है ये देख सकते हैं ये इससे ऊपर आ चुका है, और इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट लाइन से जब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइन से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ यूज करेंगे स्लेश टेबुलर, टेबुलर न्यू लाइन, स्लेश टेबुलर न्यू लाइन, स्लेश टेबुलर न्यू लाइन के बाद हम यूज करेंगे स्लेश एच लाइन, स्लेश एच लाइन यूज करेंगे, इसके बाद स्लेश एच लाइन के बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन में, अब हम स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर अब हम ये लिखना चाहते हैं तो देखें ये फर्स्ट रो में ये टेक्स्ट हम लिखेंगे 400 पल्सेस, इसको लिखने के लिए फर्स्ट में तो इसका कोई काम नहीं है, सेकंड में भी इसका कोई काम नहीं है, तो फर्स्ट दो तो इम्प्टी होंगे हमारे पास, शिफ्ट डॉलर शिफ्ट सेवन के साथ ये भी इम्प्टी होगा, शिफ्ट सेवन के साथ ये भी इम्प्टी होगा हमारे पास, और जो सेकंड होगा जो थर्ड होगा उसमें हमने लिखा है 400 तो 400 लिखेंगे, 400 फिर उसके बाद जो होगा उसमें भी लिखेंगे 400, उसके बाद जो होगा उसमें भी लिखेंगे 400, और इसके बाद लिखेंगे इस डॉलर के साथ लिखेंगे 2, और फिर इस 2 के बाद डॉलर लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 200 पल्सेस, और इसके बाद लाइन जब एंड होगा तो स्लेश टेबुलर यूज करेंगे, नॉट डबल स्लेश, इसके बाद यूज, हाँ तो इसको जब ऐसे कंपाइल करेंगे हम तो फर्स्ट कॉलम हम क्रिएट कर चुके हैं। स्लेश मल्टी रो का मतलब ये है कि हम फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर चुके हैं, सॉरी यहाँ पे हम, यहाँ से हमने इस लाइन को रिमूव कर देना है, एच लाइन यहाँ से रिमूव करना है, जैसे इसे रिमूव करेंगे और करेंगे स्लेश टेबुलर न्यू लाइन, और हम एक लाइन भी लगाना चाहते हैं लेट से, तो स्लेश एच लाइन यूज़ करेंगे, एच लाइन जैसे यूज़ करेंगे इसको तो यहाँ पे नीचे एक लाइन आ जाएगा हमारे पास, इस तरह एक लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट को क्रिएट कर चुके हैं, फर्स्ट को कि हम किस तरह फर्स्ट लाइन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दिस लाइन, अगर यूज़ नहीं करेंगे टेबुलर लाइन तो अब इसका इफेक्ट कुछ इस तरह होगा फिर हमारे पास, अगर टेबुलर लाइन यूज़ नहीं करेंगे तो इफेक्ट फिर आप चेंजेस होंगे इसमें, आप देख सकते हैं। तो हमें पता है नेक्स्ट लाइन हमें यूज़ नहीं किया तो इसलिए हमने यहाँ पर डबल स्लेश यूज़ करेंगे तो फिर इफेक्ट इस तरह होगा, स्लेश न्यू लाइन यूज़ करेंगे तो फिर भी इफेक्ट इस तरह होगा, जब टेबुलर यूज़ करेंगे स्लेश टेबुलर न्यू लाइन उसके बाद न्यू लाइन लगाएंगे तो फिर इफेक्ट हमारे पास सही होगा, इफेक्ट सही होगा फिर हमारे पास, आप देख सकते हैं फिर इफेक्ट ठीक होगा इसके। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं इस टेबल को एग्जैक्टली इस तरह बनाएं। क्यों स्विच्ड, तो क्यों स्विच देख सकते हैं स्विच्ड ऊपर है तो लाइन में आप देख सकते हैं हमारा लास्ट जो कॉलम है उसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देंगे 0.9 कर देंगे तो ये इसमें ये स्विच ऊपर चला जाएगा हमारे पास, स्विच अब ठीक हो गया हमारे पास, क्यों स्विच अब ठीक है। इसी तरह यानी जिस तरह आपको चाहिए टॉप बॉटम, आप देख सकते हैं बॉटम नीचे वहाँ पे नीचे है बॉटम, बॉटम वहाँ पे नीचे आ चुका है और यहाँ पे ऊपर है तो इसका विड्थ थोड़ा कम कर देंगे, सेकंड कॉलम का विड्थ थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये कर देंगे 0.9, देखते हैं इफेक्ट क्या होगा। जाहिर सी बात जब विड्थ कम होगा इस कॉलम का तो ये खुद बखुद स्पेस कम होगा तो बॉटम नीचे आ जाएगा। अब इसको और भी कम करेंगे 0.45 कर देंगे या 0.6 कर देंगे, अब देखते हैं इसका इफेक्ट अब ठीक हो गया हमारे पास, अब देख सकते हैं इफेक्ट हमारे पास अब इसका ये है। लेकिन फिर मसला ये हो रहा है कि फिल्म डिपोजिशन वो भी चेंज हो रहा है तो इसको ऐसे सेट करना है कि दोनों हमारे पास ठीक नज़र आए, तो यहाँ पर हम 0.7 कर देते हैं फिर इसको चेक करते हैं 0.8 कर देते हैं फिर चेक करते हैं इसको, हाँ अब हमारे पास ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, देख सकते हैं एक एग्जैक्टली उस इसी तरह का टेबल हम बना चुके हैं, फिल्म डिपोजिशन उसी तरह की एडजस्टमेंट। तो देखें ये बस मुश्किल है इसमें, एडजस्ट करना इसमें मुश्किल है कि जिस तरह एडजस्टमेंट आपको चाहिए उस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब ये जो हमारे पास है
सिल्वर डोप्ड BSG। अब इसके बाद आपने यूज़ करना है तो इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आएंगे और इसी तरह का टेक्स्ट आप जनरेट कर सकते हैं। आपने लिखना है सिल्वर डॉट SG, फिर 700, यहाँ पे मल्टी रो यूज़ करना है। फिर देखें मल्टी रो में हमने कितने रोज़ चाहिए, 2 रोज़ हैं, ऊपर एक नीचे, एक ऊपर रो है हमारे पास, एक नीचे हैं, तो मल्टी रो में इसी रो में एक है हमारे पास 700 and 170, ऊपर और नीचे आप 2 और 150 यूज़ कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इसी कोड को जब हम उठा के एग्जैक्टली यहाँ पर कंपाइल करेंगे, ये कोड इसमें गिवन भी है, इसका कोड हमें ऊपर ये सब कुछ इसका कोड गिवन है, तो आप इसको उठा के भी वहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में डाल के आप इसको कंपाइल कर सकते हैं और आपको इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह का आपको एक टेबल मिल जाएगा और मैंने मैन्युअली आपके साथ ये बना भी लिया है कि इस तरह का टेबल हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो रिमेंबर, सिंपल टेबल्स तो बनाना ईजी है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो चुका है, लेकिन इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लैटेक में टेबल्स किस तरह बनाते हैं, स्लैश टेबुलर न्यू लाइन। तो प्रैक्टिस करें, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद बहुत इसको सीख जाएंगे कि हम किस तरह टेबल ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के बगैर ये मुश्किल नज़र आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा खुद बखुद कि इस लाइन के लिए मैंने क्या यूज़ करना है, इस लाइन के लिए मैंने क्या यूज़ करना है। सो I think this is enough for today. Thank you so very much for watching my tutorials and stay tuned for more videos.